हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा। राजमा के लिए मैंने राजमा ले लिए हैं, ये भिगा लिए थे। आप लोग सोच रहे होंगे इतने कम क्यों हैं, क्योंकि मेरे घर पे मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, तो खाना हम ज़्यादा नहीं बनाते हैं। ये है मस्टर्ड ऑयल ले लिया है मैंने, ये है अदरक और लहसुन, ये है प्याज, ये सारे मसाले, हल्दी, थोड़ा सा मीट मसाला, गरम मसाला और नमक। और ये रखा है मैंने प्याज, ये है खड़ा मसाला, दो तेज पत्ता, बाकी हरी मिर्च, दालचीनी की स्टिक, लौंग, काली मिर्च, जीरा और थोड़ी सी हींग। तो शुरू करती हूँ अब मैं बनाना। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही खुशबू आने लगी तेल की कि मस्टर्ड ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें डाल दिया है बे लीव्स। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ खड़े मसाले। खड़े मसाले डालूँगी बट अभी मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि वो उछलती है। ये खड़े मसाले डल चुके हैं, आज थोड़ी बढ़ा देते हैं। मैं इंडक्शन में बना रही हूँ, एक्चुअली मैं इंडक्शन में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ इंडक्शन यूज करने में। और ये डाल दिए मैंने मसाले। अब इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। ये लहसुन मैंने, अदरक मैंने ग्रेट करके रखा था, ग्रेटर है मेरे पास बहुत छोटी सा, लेट मी शो यू, बहुत ही प्यारा सा ग्रेटर है। कहाँ रख दिया मैंने, धुल दिया है। ये देखिए कितना प्यारा सा ग्रेटर है, ये धुला भी रख देंगे, धुलने के बर्तनों में रखा है। तो ये होने लगा है, इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज मैंने चॉपर से चॉप कर लिया था, कम बना रही हूँ उसमें प्याज, समझो कम डाल रही हूँ। दो छोटे प्याज हैं ये, या दो छोटे नहीं लग रहे हैं क्योंकि ये देखिए खराब हो गया, पुराना हो गया ना यार, बट मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ, क्या करूँ। तो जैसे प्याज थोड़ा सा ब्राउन होगा उसमें डालेंगे टमाटर। हो चुका है अपना प्याज ब्राउन, तो इसमें डाल देते हैं टमाटर, ये मैंने चॉपर में ही रखे हैं। अब इसे मिक्स करेंगे और टमाटर के बाद सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल दो तो चलता है, क्योंकि प्याज प्याज तो हो ही चुका है। अब साथ ही साथ हम इसमें डाल रहे हैं मसाले, तो मसाले हमने मिक्स करके रखे थे, सूखा मसाला। ये डल चुका है, अब इसे करेंगे थोड़ा सा स्टर, मिक्स कर लेते हैं और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और ये मसाले, पानी से मसाला अच्छे से पक जाएगा। सिस्टू सा डालेंगे और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और कमेंट कीजिएगा और मुझे क्या सुधार करना चाहिए ये भी बताइएगा। और देखिए अभी थोड़ी देर में अपने आप मसाला भुनता है, भुनने देते हैं, फिर डालेंगे इसमें राजमा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही सरल सा बनाती हूँ मैं, इतना टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ कुकिंग में। मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो फाइनली अब इसमें डाल देते हैं राजमा। ये रखा है मैंने, इस तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने। और अब इसमें डालूंगी पानी। पानी यार राजमा थोड़ा मतलब गाढ़ा गाढ़ा अच्छा लगता है और हो भी जाता है गाढ़ा, तो डाल दिया मैंने इसमें पानी। देखो कितना सही लग रहा है, सूख जाएगा पानी अगर मतलब 5-6 सीटी तो उसमें लगानी ही पड़ती है, तो सूख जाएगा, कम हो जाएगा पानी। अगर कम पड़ता है तो फिर मैं बाद में ऐड ऑन कर लेती हूँ।
फाइनली इसमें लग चुका है ढक्कन। अब 7 से 8 सीटी तक वेट करते हैं और पकने देते हैं। इसको कर देती हूँ मैं प्रेशर कुकर में। ये देखो अब इसमें प्रेशर आने लगा है, तो 6 से 7 सीटी लगाते हैं इसमें, फिर देखते हैं इसका क्या हाल होता है। सो गाइस, बन चुके हैं मेरे राजमा, तैयार हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं ये, बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिखने भी में भी अच्छे हैं और खाने में भी अच्छे हैं। मैं टेस्ट कर चुकी हूँ और देखो कैसे भाप निकल रही है। इसमें डाला था हरा धनिया, दिख नहीं रहा है, बहुत कम था, बस टेस्ट के लिए हो पाया। तो प्लीज़ आप लोग भी ये बनाइए, मुझे टैग कीजिए और ऐसे रेसिपी बना के मुझे भेजिए, एंड मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे बताइएगा कि आपने बनाए नहीं बनाए ऐसे करके, कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।